उसमें से एक विधायक ने कहा है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा धोखा दिया है और मेरे दिल में बहुत बड़ा भार है और मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा और मुझसे गलती हुई, और इस तरह से उन्होंने मेरे से बात की। लेकिन अब उनका जो केस है वो डिसक्वालिफिकेशंस का, वो अभी हियरिंग 4 बजे शुरू होनी है, यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में उन्हें निष्कासित किया गया है, कुछ विधायकों को बात तक रखने का समय यहां पर। देखिए सदन में जिस आपके पास वीडियो फुटेज है, स्पीकर के मार्शल से लड़ाई करना, स्पीकर से लड़ाई करना, हमने कितना शांति का परिचय दिया। हमने हाउस को थोड़ा और लेट किया कि इन सबको उठाओ, स्पीकर के ऑर्डर को मानना पड़ता है। कैसे वो बदतमीजी कर रहे थे, कैसे वो सदन के अंदर नाच रहे थे। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी तो नहीं होनी चाहिए ना सदन में। तो हिमाचल तो इस प्रकार की गुंडागर्दी पहले देखी नहीं। हिमाचल तो देवी देवताओं का प्रदेश है, लोकतंत्र की मजबूती का प्रदेश है, और पर जो इस प्रकार इस प्रदेश की जनता को भी शर्मसार किया है, मेरा मानना है कि आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। धन्यवाद। देखिए विक्रमादित्य जी से मेरी बात हुई है, उनका कुछ कारण था और ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे छोटे भाई है और निश्चित तौर पर जब कभी विरोध आता है, गुस्सा आता है, तो उसमें दे दिया जाता है। उस बारे में हम अभी उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। देखिए विक्रमादित्य का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए आप ये कहना कि विक्रमादित्य जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका स्पीकर कोई औचित्य नहीं, उनसे जो बात मेरी अभी थोड़ी देर हुई थी जब हमारा बजट के वो चल रहा था, लेकिन उतने में स्पीकर साहब आ गए तो उनसे मेरी बात, उनकी कुछ नाराजगी है उसको हम दूर करेंगे। धन्यवाद।